हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल तो हमें जुकाम बुखार हो गया, कल हमने कोई वीडियो बनाया नहीं, तो चलो आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ संग मिलते हैं। तो मूली का पराठा बनाएंगे। तो दोस्तों, पराठे तो सर्दियों में सबके ही फेमस होते हैं, चाहे आलू के हों, गोभी के हों, मेथी के हों, बथुए के हों, तो हम आज बनाएंगे मूली के पराठे। चलो बनाते हैं। तो देखो, हमने आटा ले लिया है, आटे में नमक डाल लिया है। अब इसको गूंद लेते हैं। ये मूली का आप इसको चाहे इससे आटा गूंद सकते हो, ऑप्शनल है, चाहे फेंक सकते हैं। तो देखो, हमने मूली लिया है, इसको घिस लिया है और एक बार इसमें से इतना पानी निकाल चुके हैं। अभी इसमें दोबारा पानी है। ये धनिया है, अदरक है, मिर्च है, लिया है, इसमें डालेंगे। इसका पहले पानी निचोड़ लेते हैं। इसमें बहुत पानी होता है। पानी सही से नहीं निकलेगा तो पराठे ही अच्छे नहीं बनेंगे, बेलते नहीं बनते। इसमें डाल देते हैं अदरक जो हमने घिस लिया था, और ये धनिया है, और ये हरी मिर्च है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग। अजवाइन है, इसको थोड़ा सा ऐसे हाथों में से क्रश करके डाल। और थोड़ा सा जीरा डालते हैं, और ये थोड़ी सी धनिया है डालते हैं, लाल मिर्च। इसमें हमने धनिया, अदरक, हरी मिर्च और अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च डाल दिया, हींग डाल दिया है। अब नमक डालेंगे, नमक सबसे बाद में डालेंगे, नहीं तो पहले डाल देंगे तो पानी छोड़ने लगता है। अब इसको मिला लेते हैं। चलो मिलाते हैं इसको। मिला लेते हैं। मूली घिसते हुए नहीं दिखाई, उसकी क्लिप हमसे डिलीट हो गई, इसके लिए सॉरी मांगते हैं। गैस चालू कर लिया है। अब इसको ऐसे लोई लेके ऐसे कटोरी जैसा बना के इसमें इसको दबाते दबाते ऐसे इसका मुंह बंद कर देंगे, और इसको ऐसे धीरे धीरे से दबाते हुए इसको दबा लेते हैं।
हमने पराठे पलट दिए हैं, ऐसे इसको हम बंद कर लेते हैं दबा के। इधर हमारा पराठा ये क्या, अब इसमें रिफाइंड तेल लगा देते हैं। ऐसे ही इसको बना लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से बेलना, नहीं तो ये निकल जाएगा। पलट दिया पराठा, हमने बना लिए मूली के पराठे और हमने बनाई है चाय। अब हम चल रहे हैं खाने, मूली के पराठे और चाय खाएंगे। तो दोस्तों आप भी अपने घर में ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।